तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। और रोज की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हमारा आज का टॉपिक है बैरिंग इंडक्शन हीटर। जो बैरिंग इंडक्शन हीटर प्लांट लाइन में यूज़ होता है, कहीं भी बैरिंग को फिटअप करने के लिए यूज़ होता है, बैरिंग को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे दिखता है, क्या दिखता है, वो पूरा प्रोसेस मैं करके दिखाऊंगा, पूरा डेमो के साथ आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बने रहिए और जितना हो सके उतना लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्लीज़ चलिए हम आपको ले चलते हैं उस बैरिंग इंडक्शन हीटर के ऊपर और कैसे वो वर्क करता है वो पूरा मैं प्रोसेस आपको एक एक प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू। वो नीडल बैरिंग खोलो, उसको पूरा नहीं यूज़ करते हैं, तो आईडी बस वो निकालते हैं, आईडी निकाल के बस यूज करो। ये निकाल क्या? हाँ, वो निकालो, उसको हटाओ, इसको हीट करना है, इसको हीट करना ना कि इसको हीट करना है, कभी भी आईडी को हीट करो, आईडी को हीट करना है। हाँ, उसको दिखाओ बैरिंग और नीडल बैरिंग का। तो ये आप देख रहे हैं जो नीडल बैरिंग का बुश होता है, नीडल बैरिंग का जो बुश होता है बुश को ही हीट करें ना कि पूरे बैरिंग को हीट होता है। तो नीडल बैरिंग का हम देखिए यहाँ पर बुश को हीट कर रहे हैं और बुश को हीट करने से यहाँ पे देखिए ये जो लग रहा है ये वही है जो बैरिंग इंडक्शन हीटर बताया था, वही है ये। और इसमें ये डिस्प्ले दिया गया है कितना, मतलब कितने डिग्री पर इसको आपको बैरिंग को हीट करना है। तो मिनिमम होता है बैरिंग का हीट टेम्परेचर होता है 110 से लेकर 120-130 तक, इसका थ्योरी के हिसाब से आप चलेंगे तो इसका यही होता है। तो इसको यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे जितना सेट करना है उतना पे। तो चलिए हम इसको 130 डिग्री पर सेट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं, और 130 डिग्री पर सेट कर देते हैं हम एक्चुअली। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ये पूछना है कि कितने पर अगर वायरिंग को हीट करते हैं, तो 110 से 120 तक हम हीट कर सकते हैं बैरिंग को, इससे ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं वरना बैरिंग को इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल में कुछ और होता है, प्रैक्टिकल में थोड़ा एरर है इसलिए मैं इसको 140 तक हीट करूँगा। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, स्टार्ट करने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ओके, ये ग्रीन का सिग्नल हो गया तो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रन अप होगा, अभी देखिए रैप अप होगा, यहाँ से कुछ दिख जाएगा कितना लोग हम इसको हीट कर रहे हैं। तो ये देखिए 28 डिग्री से यहाँ से इस डिग्री से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और इसको हम 140 डिग्री तक सेट करेंगे। और इसमें जो दो वायर लगा हुआ है, वायर जो दिख रहा है ये वायर, और ये बुश के साथ जो वायर लगा हुआ है ये वायर टेम्परेचर बताता है, यहाँ से डिस्प्ले से वहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मैग्नेटिक है वो, मैग्नेटिक से वहाँ से कनेक्ट होकर हमारा ये डिस्प्ले में टेम्परेचर बताएगा कि हमारा ये टेम्परेचर कितने डिग्री हो चुका है, कितना डिग्री में ये हमारा टेम्परेचर होने के बाद ये हमको यहाँ से मालूम डिस्प्ले में चल जाएगा जितना डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे, जितना ज़्यादा हीट होगा यहाँ पे बढ़ते जाएगा। आप देखिए यहाँ 41 डिग्री हो गया, तो इसको हम ऐसे करते करते 130 डिग्री तक हम ले जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं फिर वहाँ से। तो ये 46 डिग्री हो गया, 47 डिग्री हो गया, तो देखिए वहाँ पर 127 हो गया, 128 हो गया, 129 हो गया, अभी इसको हम 130 हो जाएगा, अभी 130 डिग्री पर हम इसको पीछे से कनेक्ट होता है, देखिए दिख रहा है ये मैं जो टेम्परेचर का वायर है, ये टेम्परेचर वायर शो करता है, टेम्परेचर के लिए होता है। तो इसको हम कभी भी हीट रहता है, इसको कभी भी नॉर्मल हाथ से मत उठाइए, हीटिंग हैंड ग्लव्स ही पहन के उठाइए। तो यहाँ देखिए यहाँ से निकाल के ले गया है लड़का, और इसको हीटिंग में यहाँ पर देखिए डालना है इसको फ्री, देखिए इतने आराम से फ्री चला गया, जबकि ये बुश टाइट साइज में था। तो क्या होता है एक्सपेंड हो जाता है जब उसमें वहाँ से हीट करते हैं ना, तो ये बैरिंग का जो आईडी होता है, बैरिंग बुश का जो आईडी होता है ये एक्सपेंड हो जाता है। और एक बार इसको अच्छे से मार कर देख लीजिए, तो यहाँ पर यह फिटअप हो गया है। होने के बाद ये नीडल बैरिंग को हम कैसे डालते हैं, ये नीडल बैरिंग है वो हमको आपको दिखाते हैं कैसे डालते हैं नीडल बैरिंग को। नीडल बैरिंग को यहाँ से बस अब आराम से इसको थोड़ा हीट, उसको ठंडा हो जाने के बाद आराम से इसको फिटअप करना है, ना कि ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस करना, वरना इसके बॉल्स जो होंगे वो बॉल्स पूरे तरह से ख़राब हो जाएंगे। तो जितनी सावधानी से होकर ब्रास रट से होकर उतनी सावधानी से इसको ही प्रेस करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, ना को ज़्यादा टाइट फिट रखना है, ना टाइट फिट रखने से क्या होगा बॉल्स भी ज़्यादा नहीं मूव करेंगे। तो जितना आराम से होकर उतना आराम से इसको फिटअप कीजिए, देखिए कितने आराम से इसमें जा रहा है, कितनी स्मूथली जा रहा है। तो ऐसे हम बैरिंग का बैरिंग को हीट करते हैं बैरिंग इंडक्शन हीटर में। तो ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।